हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को एक स्टोरी सुनाऊंगी जो रॉन्डा बर्न ने अपनी बुक द सीक्रेट में शेयर की है, जिसमें वो बताती हैं कि कैसे एक लेडी ने अपने एक्शंस को चेंज करके अपने डिजायर पार्टनर को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट किया। तो चलिए शुरू करते हैं स्टोरी। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नीता और आज की वीडियो में मैं आप सभी का मोस्ट वेलकम करती हूँ। तो आज की स्टोरी एक लेडी की है जो अपनी लाइफ में अपने डिजायर पार्टनर को मैनिफेस्ट करना चाहती हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन से फेमिलियर हैं और लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स को वो यूज कर रही हैं अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट करने के लिए। लेकिन इन सब के बावजूद भी उनके लाइफ पार्टनर का उनकी लाइफ में उन्हें कोई नामो निशान नहीं देखने को मिल रहा था। एक दिन जब वो अपने ऑफिस से अपने घर वापस आती हैं और अपनी कार को अपने गैरेज में पार्क करती हैं, तब वो रियलाइज करती हैं कि उन्होंने अपनी पार्क गैरेज के बीचों बीच पार्क की है। और उन्हें ये रियलाइजेशन होता है कि उनका ये एक्शन उनकी डिजायर के कॉन्फ्लिक्ट में है, उनकी डिजायर के साथ अलाइनमेंट में नहीं है। क्योंकि वो जब गैरेज के बीचों बीच कार को पार्क कर रही हैं, तो उस गैरेज में किसी और कार के पार्क होने के लिए जगह नहीं बचती। तो इसका मतलब वो यूनिवर्स को ये मैसेज भेज रही हैं कि इस गैरेज में सिर्फ मेरी ही कार पार्क होगी। तो मतलब वो ये श्योरिटी दे रही हैं कि मुझे मेरी लाइफ में कोई पार्टनर नहीं चाहिए। तो जैसे ही उन्होंने अपने इस मिस्टेक को रियलाइज किया, उन्होंने तुरंत उस गैरेज को क्लीन किया और अपनी कार को गैरेज के एक साइड पे पार्क किया, जिससे गैरेज में दूसरी कार के पार्क होने के लिए भी जगह बन गई। तो उन्होंने ये पहला अपना एक्शन सही किया अपनी डिजायर के अलाइनमेंट में आने के लिए, क्योंकि अब उन्होंने अपनी लाइफ में अपने पार्टनर के लिए स्पेस बनाना शुरू कर दिया था। ऐसे ही जब वो अपने रूम में जाती हैं और अपनी वार्डरोब खोलती हैं, तो सारी वार्डरोब में उनके कपड़े ठुसे पड़े हुए होते हैं। तो वो ये सोचती हैं कि अगर मेरा लाइफ पार्टनर मेरे साथ होता तो ऑब्वियसली इस वार्डरोब में उसके कपड़े रखने के लिए भी जगह होती। लेकिन अभी इस वार्डरोब की हालत ऐसी है कि इसमें सिर्फ मेरे ही कपड़े हैं और वो भी सही से अरेंज नहीं है, और मेरे पार्टनर के लिए मैंने इसमें कोई जगह नहीं छोड़ी है। तो तब उन्होंने फिर रियलाइज किया कि उनका ये एक्शन भी उनकी डिजायर के अलाइनमेंट में नहीं है। तो तब उन्होंने वार्डरोब क्लीन किया और उस वार्डरोब में अपने पार्टनर के कपड़े रखने के लिए भी स्पेस बना दिया। और तो और उन्होंने ये भी रियलाइज किया कि जब वो बेड पे सोती हैं तो वो बेड के बीचों बीच सोती हैं, जिससे उस बेड पर किसी और के सोने के लिए जगह नहीं बचती। तो उन्होंने इस एक्शन को भी चेंज किया और बेड के एक साइड पे सोना शुरू कर दिया, जिससे बेड पर उनके पार्टनर के लिए भी स्पेस बन गई। और जब उन्होंने अपने इन एक्शंस को चेंज किया और लॉ ऑफ अट्रैक्शन टेक्निक को फॉलो करती रही, तो बहुत ही जल्द वो उस इंसान से मिली जिसमें उन्हें वो सारी क्वालिटीज मिली जो वो अपने लाइफ पार्टनर में देखना चाहती थी। और उनकी मुलाकात के कुछ ही टाइम बाद उन दोनों की शादी हो गई एंड नाउ दे आर हैप्पीली मैरिड। तो यहाँ रॉन्डा बर्न ये कहती हैं कि कई बार हम अपने डिजायर को मैनिफेस्ट करने के लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स को भी फॉलो करते हैं, रेगुलरली फॉलो करते हैं, लेकिन फिर भी वो मैनिफेस्ट नहीं होती। तो इसका कहीं ना कहीं रीजन एक ये हो सकता है कि जो हमारे एक्शंस होते हैं वो हमारे डिजायर के साथ अलाइनमेंट में नहीं होते, उसके कॉन्फ्लिक्ट में होते हैं, और जिसकी वजह से हमारी मैनिफेस्टेशन पूरी नहीं हो पाती। इस स्टोरी में जो एक्शंस बताए गए हैं, नॉर्मली हमारे कल्चर में तो ये फॉलो नहीं हो सकते लड़कियों से, क्योंकि लड़कियां अपने घर से लड़के के घर जाती हैं शादी के बाद। तो लेकिन हाँ, जो लड़के लोग हैं ना, वो इन एक्शंस को फॉलो कर सकते हैं अगर वो भी अपनी लाइफ में शादी को जल्दी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। आप देखिए कि आप कैसे अपने लाइफ पार्टनर के लिए अपने घर में, अपने रूम में, अपनी लाइफ में जगह बना सकते हैं, उसके लिए स्पेस क्रिएट कर सकते हैं, जिससे आप यूनिवर्स को ये मैसेज भेजेंगे कि आप अपनी लाइफ में अपने पार्टनर को वेलकम करने के लिए रेडी हैं, और फिर वो आपकी लाइफ में आपके पार्टनर को जल्दी से लेके आएगा। कुछ एक्शंस हैं जो हमें ध्यान रखने हैं कि हमारे डिजायर के कॉन्फ्लिक्ट में हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि अभी आप शादी करना चाहते हैं, लेकिन अभी आपकी शादी का कोई प्रोसेस शुरू नहीं हुआ है, तो आपको टेंशन है थोड़ी। अब ऐसे में जब आपको पता चलता है कि आपका कोई दोस्त, आपका कोई रिलेटिव, उसकी शादी हो रही है, तो आपके मन में ये चीज नहीं आनी चाहिए कि भाई उसकी भी शादी हो गई, उसकी भी शादी होगी, सारी दुनिया की शादी हो रही है, पता नहीं मेरी ही शादी कब होगी, मेरी ही शादी क्यों नहीं हो रही है। तो ये जो चीज है ना, ये एक नेगेटिव इमोशन है जिससे आप यूनिवर्स को लैक की फीलिंग दिखा रहे हो, उसको लैक का सिग्नल भेज रहे हो।
तो वो फिर और लैक लेके आएगा इस चीज के लिए। तो आपको ये नहीं करना है, आपको जिसकी भी शादी हो रही है आपको उसके लिए खुश होना है और मन में ये बोलना है कि देखो इनकी शादी हो रही है, दे आर सो लकी, अब तो मेरी भी जल्दी शादी होने वाली है, ऐसे मन में बोलते हैं। क्रिप नहीं करना, क्रिटिसाइज नहीं करना है, हैप्पी रहना है, खुश रहना ही मंत्रा है अपनी लाइफ में अपनी डिजायर को जल्दी से मैनिफेस्ट करने का, इसलिए खुश रहना बहुत जरूरी है। तो आप बस ये टिप्स फॉलो कीजिए और देखिए कि कैसे आपकी चट मंगनी पट ब्याह होता है।